तो बात करेंगे 2006 में घटी एक ऐसी हैवानियत के बारे में, ऐसा दिमाग हिला देने वाला, ऐसा दिल कपा देने वाला मर्डर केस। जिसने भी इसके बारे में सुना उसने बोला, पकड़ो साले को, कमीने को छोड़ना मत। तो बात करते हैं सेक्टर 36 के बारे में। हो चुकी है रात और दिल्ली के एक अमीर बिजनेसमैन के घर रहता है ये है विक्रांत मसे उर्फ प्रेम उर्फ देसी हैनिबल द कैनिबल। किस्मत ने ऐसा थूक दिया मुंह पे कि रो रो के IPS बनने वाला बन गया सीरियल किलर। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये कैसी कामयाबी है। लेकिन शो देखने के बाद अपनी धूल भरी सूरत, आंखों में खून भरी मस्ती, दूर घर की छत पे जाके खूनी के मर्डर की लिस्ट काफी लंबी है। तो लापता बच्चों के माँ बाप कंप्लेंट लेके जाते हैं इसके पास। ये है दीपक दोबरियाल उर्फ रामचरण पांडे, जिसकी सिर्फ हिंदी शुद्ध है काम नहीं। पुलिस स्टेशन में भर भर के मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स, लेकिन उनके माँ बाप को पुलिस स्टेशन में देख के ये बोलता है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, नहीं। लेकिन जब ये साला खूनी कंगारू की अगली शिकार खुद पांडे जी की बेटी बनती है, तब पड़ता है इसके मुंह पे सच्चाई का तमाचा और निकल पड़ता है ये देसी हैनिबल द कैनिबल की खोज में। सेक्टर 36 के सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट्स है विक्रांत मसे और दीपक दोबरियाल। दोनों ने प्रेम और पांडे के कैरेक्टर से ऐसा अपना अपना एक्टिंग रेंज दिखाया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मसे ने प्रेम के दोनों मासूम और किलर साइड को ऐसा ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है। उनकी सीरियल किलर वाली परफॉर्मेंस काफी रिस्ट्रेंड येट टेरिफाइंग लगी। सही में सीरियल किलर थे क्या। मैं चाय और पकौड़े लेके आता हूँ। दोबरियाल एस रामचरण पांडे का कैरेक्टर जो पहले रहता है टोनी स्टार्क जैसा निडर, तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो, गुड जोक्स हां, लेकिन जब खुलते हैं कहीं राज तो बंदे की ईगो गिरती है धड़ाम से नीचे। और इसको दोबरियाल ने कितनी बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया है। लेकिन सच्चाई और हैवानियत को बचाने के लिए है कुछ भ्रष्ट तैनात। ये है जवाहर रस्तोगी उर्फ भ्रष्ट पुलिस वाला, जो बार बार बचाता है इसको। ये है बलबीर सिंह बस्सी उर्फ प्रेम का बॉस, ऐसा खुजली वाला भेड़िया है ये, जो करवा रहा है प्रेम से मर्डर के अलावा और भी घिनौने काम। फिल्म में रिच पुअर डिवाइड की घिनौनी सच्चाई को इतना हार्ड हिटिंग वे में मेंशन किया है। डायलॉग्स जैसे, कॉकरोच कितनी ही बॉडी क्यों ना बना ले, जीत हमेशा जूते की ही होती है। जब गरीब बच्चे गायब हो रहे हो तब पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन जब कोई अमीर घर का बच्चा गायब हो जाए तब पुलिस वाले अचानक से एक्टिव। और इस रिच पुअर डिवाइड की कड़वी सच्चाई इंटरोगेशन सीन में प्रेम ने ऐसी बताई है कि सुन के वो इंटरोगेशन सीन, जिसकी बढ़िया राइटिंग और दोनों की बढ़िया परफॉर्मेंस ने उसे ऐसा हार्ड हिटिंग सीन बना दिया। फिल्म 2 घंटे की है, लेकिन फिल्म में कुछ पार्ट्स फास्ट लगे कि लगा कि चीजें कुछ ज्यादा ही आसानी से हो गई। पांडे जी का किसी के फोन से प्रेम का पता चल जाना, प्रेम का फटाक से पूरी खूनी करतूतों का कन्फेस कर देना, डेविड फिंचर की 7 से सीखा है शायद। तेरा बाप। और डायरेक्टर आदित्य निम्बालकर ने फिल्म की शुरुआत काफी इंट्रिगिंग और टेरिफाइंग की, और इंटरोगेशन सीन के आने तक फिल्म काफी एंगेजिंग थी। लेकिन इंटरोगेशन सीन के बाद फिल्म पूरी ठंडी पड़ गई और अननेसेसरीली स्ट्रेच लगी। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर सौरभ गोस्वामी ने स्टोरी के डार्क ड्रेडफुल नेचर को काफी अच्छी तरीके से स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया है। येलो और वार्म कलर्स का यूज किया है जब भी ये खूनी चमगादड़ मर्डर या किडनैपिंग की फिराक में हो। ओवरऑल सेक्टर 36 ने ऐसी भूल चुकी घटना की याद दिलाई, हैवानियत का वो अजूबा दिखाया जिसने सारी हदें पार कर दी थी। सेक्टर 36 काफी अच्छी फिल्म हो सकती थी अगर थोड़ा इजी वे आउट ना लेके स्टोरी थोड़ी और अनप्रेडिक्टेबल और टेंशन से भरी होती तो फिल्म और बढ़िया होती। लेकिन स्टिल सेक्टर 36 में परफॉर्मेंसेस इतनी बेहतरीन है कि आप इसे जल्दी भुला नहीं पाओगे।